अब बाबा 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 पहुंच गए बाबा भूतनाथ के पास। भाई जी से पूछा मैंने, कहा भाई जी उज्जैन की तरफ सही जा रहा हूँ मैं, तो बोला नहीं भाई जी आप गलत आ गए हो, मेरे को उसने पीछे को करवा दिया। बताया यहाँ से 5 किलोमीटर पीछे गया, पीछे से आ रहा हूँ मैं, अब टर्न मार के आ रहा हूँ यार। मैंने सोचा गूगल में उससे भी पूछा, मैं गूगल से देखता हूँ करके। अबे यार क्या आदमी लोग हैं यार। मैंने आपको न्यूज के चैनल पे देखा है। कहाँ पर? अपने घर पे। सच में? हाँ। देखो प्रभु की माया, अपन न्यूज चैनल पे छाया, जय श्री राम। तो वहाँ से आते ही मेरे को सामने यहाँ पर मेडिकल शॉप दिखा और मैंने यहाँ पर से दवाई ले ली है, थैंक यू सर का बहुत बहुत। और यहाँ पर आपको चेकआउट कराता हूँ, ये देखिए भीड़। जय श्री राम, जय श्री राम। पूरा सेट लगेगा, ये ज़्यादा महंगा तो नहीं है? कितने तक का खर्चा देगा? ठीक है चलो करवा दो यार, अब क्या करें। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको यात्रा अपनी राउंड ट्रिप में करनी थी, साथ ही आप अपने यात्रा के अनुभव हैं। तो चलिए कहीं मेरे को अगर इंजेक्शन की जरूरत होगी तो आपसे पूछेंगे। जी 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 धन्यवाद धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो यहाँ पर खड़े हैं रोशन लाल जी, 2 दिनों से बोल रहा हूँ एक बाइट दे दो, दे नहीं रहे, कह रहे हैं आपने इतनी वीडियो बना दी है मेरी, मैंने कोई भी। भगवान ईश्वर महादेव आपके साथ हैं और जहाँ जरूर पड़े राकेश गुप्ता को आप याद कीजिएगा। क्योंकि साइकिलिंग ज़्यादा यूज़ करिए, क्योंकि तेल ज़्यादा आप फूक रहे हैं तो उसमें आपका पैसा भी जा रहा है, टाइम भी जा रहा है, सब कुछ उसमें आपको हानि पहुँच रही है, लाभ कहीं नहीं है। लाभ आपको बस थोड़ी देर का लाभ की लाभ है कि आप एसी में बैठे हुए हैं, आपको गर्मी में ठंडा लग रहा है, ठंड में गर्मी लग रही है, बस यही का मोटो लेके मैं आगे को बढ़ रहा हूँ। अध्यक्ष साहब हमारे, एक बार नाम बता दीजिएगा। अतुल गुप्ता। अतुल गुप्ता जी, सौदन व्यास समाज अध्यक्ष। ये अध्यक्ष साहब हैं और बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और तो आप कहाँ जा रहे हैं? मैं घूमने जा रहा हूँ, चलोगे मेरे साथ? घूमने लायक जगह यहाँ पर, घूमने लायक जगह क्या क्या है भैया? बहुत सी पॉइंट है, किला है, रानी दुर्गावती है। छोटे छोटे हमारे राम भक्त हमें मिले हुए हैं और पूछ रहे, पीछे से आ रहे थे मेरे गोली गोली पूछने में लगे हुए हैं, भैया कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, रुको। और श्री राम से हम यही दुआ चाहते हैं कि उनकी यात्रा जहाँ तक जाए सुखमय और शांत पूर्वक और अच्छे तरीके से स्वस्थ जीवन। देखिए बात, मेरी ऑडियंस कुछ ज़्यादा चीज़ें समझती है, आप लोगों के प्यार की वजह से मैं यहाँ पर साइकिलिंग कर रहा हूँ, पता है, आप इतना प्यार दिखा रहे हो वहाँ से। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके एक और नए व्लॉग पे, एक और नई वीडियो पे, एक और नए सफर पे। जो सफर रहने वाला है यहाँ से 100 किलोमीटर समथिंग रहने वाला है और जगह का नाम आपको बताता हूँ, मालकुई जगह का नाम है। ये मेरी साइकिल और मैंने बांध दिया है पूरे साइकिल में सामान, यहाँ पर देखिए कैसी लग रही है। और मैं यहाँ से चलूंगा दीनदयाल बस स्टेशन को। ये रहे हमारे कुछ बड़े भाई, जय श्री राम, और यहाँ पर हर हर महादेव, और यहाँ पर इनकी शॉप है, वो आगे जो खुली हुई है इनकी शॉप है। तो यहाँ पर है भैया की लाइटर की शॉप, और आप समझ रहे होंगे असली का नहीं है, यहाँ पर है भैया की लाइटर की शॉप। और ये रहे भैया जी, और हम इनसे चेकिंग करवा रहे थे, भैया यार प्लीज़ यार कमेंट में ये मत दिखना कि आप गुंडे हो, ये हो ना, मैं गुंडा नहीं हूँ, मैं सीधा साधा इंसान हूँ। तो भैया से भी मिले यहाँ पर, भैया ने बात बात करी और भैया जी से आपको मिलाता हूँ, भैया जी का नाम पूछवाता हूँ, कौन सी जगह से मैं यहाँ पर हूँ वो भी आपको पूछवाता हूँ। हेलो भैया, जय श्री राम। जय श्री राम, जय महाकाल। जय महाकाल, कौन सी जगह है भाई जी? जबलपुर। आपका नाम क्या है? सिद्धि अग्रवाल। सिद्धि अग्रवाल जी, तुलाराम चौक मुकादमगंज में हूँ। अच्छा, आपकी दुकान लाइटर्स की दुकान है? जी जी, लाइटर, फैंसी लाइटर वगैरह। अच्छा, फैंसी लाइटर्स की, चलो बहुत बढ़िया लगा आपके संग कुछ फोटो थोड़े खिंचाए। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे हो गए। तो मेरी यात्रा शुरू हो गई है, होटल मैंने छोड़ दिया है, आगे मुझे जाना है दीनदयाल चौक पे। तो दीनदयाल चौक बस पहुँचने वाला हूँ मैं, वहाँ पर रोशन लाल गुप्ता जी और कुछ उनके सहकर्मी मेरे को मिलेंगे, जो थोड़ा बहुत मुझसे बात करेंगे ना। कि कभी गूगल का विश्वास मत करिए, गूगल मेरे को वहाँ से चौराहे से सीधा सीधा दिखा रहा था, वो तो आगे जो भैया जा रहे हैं नीले जैकेट पे, वो मेरे से बोलने, चलिए मैं बताता हूँ आपको कहाँ तक जाना है, अगर कहाँ से जाना है करके। तो मैं दीनदयाल चौराहे में बस पहुँचने वाला हूँ और यहाँ पर बड़े भाई और अंकल जी ने
मेरा सपोर्ट करा है, सहयोग करा है मेरा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ मंगलमय हो उनका सारे काम। आपके यात्रा के जो अनुभव हैं वो आप इस समय 72 पेपर है तो पूरे हिंदुस्तान में लगभग फैल गया है, उसके किसी साप्ताहिक अंक के लिए आप अपने तो उनसे संपर्क करके अपने छोटे छोटे लेख जो उनको प्रकाशित करने में सहूलियत हो और उसमें आप देना शुरू कर दें जी, वो ठीक रहेगा। इससे लोगों में जागृति आएगी कि साइकिल से लोग तो किस तरीके से देश को जोड़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, ये सबसे बढ़िया रहेगा आपकी यात्रा के लिए। जी, जी जी। अगर आप YouTube में कर रहे हैं तो उसमें भी इस तरीके से थोड़ा सा आप उसको कंपोज करके डालिए। जी थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। यहाँ से आ रहा था और अंकल से ही बात हुई, अंकल ने मेरे को बता दिया और मेरे को जाना है दीनदयाल की तरफ को। और यहाँ पर कुछ मिले हैं अपने राम भक्त लोग और जय सिया राम बहन और जय सिया राम भाई जी। जय सिया राम, क्या करते हैं आप? कॉलेज स्टूडेंट। क्या कॉलेज में पढ़ रहे हैं? मेडिकल कोर्स कर रहे हैं। मेडिकल कोर्स, बहुत बढ़िया। डॉक्टर नहीं नर्स बनेंगे आप? हाँ। तो चलिए कहीं मेरे को अगर इंजेक्शन की जरूरत होगी तो आपसे पूछेंगे। जी 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 जी, धन्यवाद धन्यवाद आपका बहुत बहुत। दमाऊ नाका, देखते हैं बस अड्डा कहाँ पर है। बस अड्डा, बस अड्डा। तो यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ। भाई जी कहाँ पर हैं? ये रहे भाई जी अपने, यहाँ पर पहुँच गए हम। तो यहाँ पर खड़े हैं रोशन लाल जी, दो दिन से बोल रहा हूँ एक बाइट दे दो, एक बाइट दे दो, दे नहीं रहे। कह रहे हैं आपने इतनी वीडियो बना दी है मेरी, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, दो दिनों से मेरे मेरे लिए यहाँ पर लगे पड़े हैं। मेरी साइकिल इन्होंने बनवाई, मेरा रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सब इन्होंने बनवाई, उस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी सहकर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी यात्रा से ले, मेरी यात्रा से जो जुड़े हुए हैं व्यक्ति, उनका भी सब बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। सौदन वैश्य समाज, जबलपुर, मध्य प्रदेश। और ये अध्यक्ष साहब है अतुल रामपाल जी गुप्ता जी और महामंत्री रोशन लाल गुप्ता जी, आपने अभी रिसेंट वीडियो में से इनको देखा होगा। और कोष अध्यक्ष राकेश गुरुदयाल गुप्ता जी। तो यह सभी लोग यहाँ पर मेरा सम्मान करने के लिए, मेरा फ्लैग ऑफ करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी महामंत्रियों का, सभी लोगों का, सभी जनों का, और स्पेशली ये छोटे बालक का। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि ये मेरी जो यात्रा है ये ऐसी करके मेरे को लोग मिलते रहें रास्ते भर और मेरा सहयोग करते रहें मेरी यात्रा पर, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर। और आप लोगों से भी यही विनती है मेरी, मेरा सहयोग करते रहिए। और सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय महाकाल। आपने बस करवा दिया, बस यही बहुत है। फोटो वो आप देख सकते हैं, मेरा भव्य स्वागत, मेरा फ्लैग ऑफ। और हमारे अध्यक्ष साहब जी, ये रहे अध्यक्ष साहब हमारे, एक बार नाम बता दीजिएगा। अतुल गुप्ता। अतुल गुप्ता जी, सौदन व्यास समाज अध्यक्ष। ये अध्यक्ष साहब हैं और बहुत बहुत धन्यवाद इनका इतना भव्य स्वागत करने के लिए मेरे को। मैं बहुत गौरवान्वित मानता हूँ अपने आप को कि मैं ऐसा सौभाग्य मैंने प्राप्त करा है यहाँ पर। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सो नाश्ता करने भाई जी हमें लेके आ गए हैं यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, महामंत्री जी और सभी श्रद्धालुगण का, सभी राम भक्तों का, सभी सिद्ध भक्तों का। मेरा इतना भव्य फ्लैग ऑफ करने के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सभी लोगों का।
और एक छोटा सा निवेदन है आप अध्यक्ष साहब जी से, महामंत्री जी से, कि मेरी एक छोटी सी एक निवेदन आप यहाँ के पहुँचाइएगा, किसी न किसी के पास पहुँचाइएगा ज़रूर। जब मैं यहाँ पर से आ रहा था, जब मैं आउटर में पहुँचा हुआ था, तो आउटर में गंदगी के मामले में देखिए आप, बहुत ज़्यादा वहाँ पर गंदगी है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा गायें मरी हुई हैं, बहुत ज़्यादा जानवर मरे हुए हैं, रोडों में चिपके हुए हैं जानवर, उसकी सफाई कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा बदबू, बहुत ज़्यादा मतलब मैं बयान नहीं कर पाऊँगा। और जो बोलते हैं कि आउटर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या आउटर में है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या, तो इस चीज़ के लिए आप थोड़ा बहुत कार्य करिए ताकि और लोगों को सहूलियत मिले। बस मेरा निवेदन यही है आपसे, आपका शहर बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर शहर है, बहुत स्वच्छ शहर है, लेकिन आउटर के लिए आप कुछ ना कुछ यहाँ पर करिए, ये मेरा बस निवेदन है। छोटे छोटे भाई का एक छोटा सा साइकिलिस्ट का निवेदन है आपसे। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। नाश्ता डन, पेट भर गया, मन भर गया। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश गुप्ता जी का। परसों से मैं और ये संपर्क में थे फ़ोन पे, तो आज अभी थोड़ी देर पहले अभी यहाँ पर आपने देखा होगा रोड पे कि इन्होंने भव्य मेरा फ्लैग ऑफ करा हुआ है। अध्यक्ष साहब थे वहाँ पर, महामंत्री थे, जिला मंत्री थे वहाँ पर, सब कोई हर कोई वहाँ पर मौजूद था उस समय। तो बहुत बहुत धन्यवाद उस चीज़ का, मेरी यात्रा से जुड़ने के लिए, प्रभावी यात्रा बनाने के लिए मेरी, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी का। और मेरे को नाश्ता कराने के लिए अभी ले गए हैं, नाश्ता मेरा डन हो गया है और अभी मैं चलूँगा यहाँ से। जो मेरा सफ़र अभी रहेगा वो तकरीबन 100 किलोमीटर के समथिंग रहेगा मेरा सफ़र आज का, और अभी हो चुका है, थोड़ा लेट हो गई है, लेकिन तकरीबन मैं करूँगा आज को पक्का पूरा करूँगा। 7 बजे तक मैं कोशिश करूँगा कि आज मैं जा सकूँ अपने सफ़र तक, अपनी मंजिल तक जा सकूँ। और मेरी यात्रा से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी यात्रा आगे देखें ज़रूर, और इसको शेयर करें अपने प्रियजनों के, अपने प्रियजनों के पास, लाइक करें मेरी वीडियोस को, कमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव, जय सिया राम, और जो कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया आप देते रहिए मेरे चैनल के माध्यम से, मेरी वीडियोज़ पर देते रहिए, ताकि मैं उसमें मेरे को पता चले कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ, कैसा मेरे को सुधार करना है, क्या करना है मेरे को, क्या नहीं करना। सौदन वैश्य समाज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने मेरी यात्रा से जुड़ने के लिए यहाँ पर मेरे को कुछ सहयोग राशि भी प्रदान करी है, तो उस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं चलिए आपको बात सीधा करवाता हूँ राकेश जी से। जय सिया राम। राहुल शाह जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने सेवा का अवसर दिया, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो कहीं भी कोई कठिनाई ना आए, भगवान ईश्वर महादेव आपके साथ हैं, और जहाँ कोई भी जरूरत पड़े राकेश गुप्ता को आप याद कीजिएगा, जहाँ तक मेरे से होगा मैं आपकी मदद करूँगा। जय जय श्री राम। जय श्री राम। यार मेरा सफर हो गया है शुरू, और मैं आगे को बढ़ रहा हूँ, नर्मदा नदी यहाँ पर आएगी, नर्मदा माता का आशीर्वाद ले लूँगा दूर से ही, जा तो पा नहीं रहा हूँ लेकिन लूँगा ज़रूर आशीर्वाद। और यहाँ से 10 किलोमीटर बताया जा रहा है, और आज का जो सफ़र है पता नहीं कहाँ तक होगा, आपको दिख जाएगा वीडियो के माध्यम से, क्योंकि यहाँ से निकलने में लेट हो गई है, तो वीडियो बने रहे। तो क्या ही आदमी थे यार यहाँ पर, क्या ही बड़े भाई लोग, क्या ही स्वागत और क्या ही अभिनंदन, बहुत बढ़िया लगा देख के। और अभी उन्होंने नाश्ता भी करवाया, और अभी मैं चल पड़ा हूँ आगे को अपने सफ़र को। मेरी मंजिल काफ़ी दूर, लेकिन मुझे बहुत पास लग रही है, पता नहीं क्या भोले की माया है, तभी उन्होंने मुझे बुलाया है। तो भाई पिला रहे हैं यहाँ पर गन्ने का जूस है। जय श्री राम। जय श्री राम। भाई गर्मी इतनी ज़्यादा है ना आज रोड पे, क्या ही बताऊँ, गन्ने का जूस पीता हूँ पहले, 8-10 ग्लास तो पी दूंगा मैं। मैंने आपको न्यूज के चैनल पे देखा है। कहाँ पर? अपने घर पे। सच में? हाँ। मैं ही था वो। क्या देखा उसमें? उसमें मैंने आपको साइकिल से परिक्रमा करते हुए देखा। थैंक यू सो मच। बाय बाय। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु की माया, अपन न्यूज चैनल पे छाया। जय श्री राम। तो यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर आया हूँगा, 10-15 किलोमीटर आया हूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा रुक गया हूँ। वो इसलिए रुका हुआ हूँ क्योंकि साइकिल में फिर से प्रॉब्लम आ गई है,
इसका शायद बैरिंग्स के उसमें प्रॉब्लम आ रही है। मैंने राजा भैया को मैंने कॉल करा, जिसने मेरे से बोला था कि आप मुझे कॉल कर सकते हैं, तो मैंने उनको कॉल करा हुआ है। वो देख रहे हैं, वो मेरे से बोल रहे थे कि शादाब भैया को कॉल करो और उनसे बोलिए कि ऐसी ऐसी बात है, और वो यहाँ पर आएंगे, आज संडे है क्योंकि। तो यार देखता हूँ मैं यहाँ पर क्या होता है, राजा भाई आते हैं या नहीं आते हैं। अगर नहीं आएंगे तो फिर मेरे को आगे कहीं पर मेरे को बनवाना पड़ेगा, अपना काम करवाना पड़ेगा आगे भी। मेरे को लग रहा है कि इसका कोई मैकेनिक्स नहीं मिल पाएगा मुझे, राजा भैया को यहाँ पर आना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। और चलो उनका वेट करते हैं और भैया से, शादाब भैया से बात करते हैं। शादाब भैया का फ़ोन आया था, शादाब भैया से बात हो गई है और वो कह रहे हैं कि यार हमारे वहाँ पर अभी कोई है नहीं, वो अकेला है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या बोलने में लगे हैं। यार प्लीज़ उनको भेज दीजिए शादाब भाई, मैं बहुत परेशान हो जाऊँगा, मेरा सफ़र बहुत लंबा है। कोई यहाँ पर के जो भी आपके कस्टमर्स होंगे वो तो एक दिन दो दिन इंतज़ार कर सकते हैं, मैं कैसे इंतज़ार करूँगा, आप खुद सोचिए ज़रा इस बात को। मैं मुझे आगे निकल रहा है किसी भी हालत में। अभी मिले हैं एक सर मिले हैं और एक मैडम मिले हुए हैं। हेलो सर। हेलो मैम। कहाँ से हैं मैम आप? जबलपुर से ही है। अच्छा, जस्ट ऐसे निकले थे, आज संडे है। हाँ हाँ, आपका देखा पूरा जो है अच्छा लगा मुझे, तो इसलिए आपसे मैं बात कर रहा हूँ। जो मोटो है या एम है जो ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग का जा रहा है, इसके लिए हम शुभकामना देते हैं, आप स्वस्थ रहें और अपनी मंजिल तक जो है अपने समय अनुसार जो है पहुँचें, और बाबा भोलेनाथ का जो है कृपा आपके ऊपर बनी रहे। धन्यवाद जी। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं अपनी यात्रा से, कोई मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं अपनी यात्रा से ये मैसेज देता हूँ कि सबसे पहले तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जागरूक करता हूँ लोगों को कि अपने बेटियों को पढ़ाओ, ज़्यादा उनसे काम वाम नहीं है ऐसा ऐसा करके। और फिर उसके बाद मैं पेड़ बचाओ वृक्षारोपण के लिए मैं ज़्यादा महत्व देता हूँ जी, प्रकृति के लिए ज़्यादा महत्व देता हूँ। और अपनी साइकिल के माध्यम से इसमें ये बताना चाहता हूँ लोगों को कि साइकिलिंग ज़्यादा यूज़ करिए, क्योंकि तेल ज़्यादा आप फूंक रहे हैं तो उसमें आपका पैसा भी जा रहा है, टाइम भी जा रहा है, सब कुछ उसमें आपको हानि पहुँच रही है, लाभ कहीं नहीं है। लाभ आपको बस थोड़ी देर का लाभ की लाभ है कि आप एसी में बैठे हुए हैं, आपको गर्मी में ठंडा लग रहा है, ठंड में गर्मी लग रही है, बस यही का मोटो लेके मैं आगे को बढ़ रहा हूँ। अच्छा एम है आपका जो है, क्योंकि जो है ये जब हम प्रकृति के साथ में जितना जुड़ाव होगा हम उतना ही स्वस्थ रहेंगे, और हमारा जो स्वस्थ रहेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं जी। तो धन्यवाद, पुनः आपको एक बार शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, जय सिया राम। जय श्री राम। तो ये छोटे बच्चे यहाँ पर मिले हुए हैं और मेरे संग फोटो शोटो खिंचा रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है ऐसी करके। आपका नाम बताइएगा। और आपका? वेरी नाइस। चलो बच्चे को, बच्चों को बहुत अच्छे होते हैं बच्चे यार, मेरे को बहुत पसंद आते हैं बच्चे, बहुत बढ़िया बात है। तो भाई राजा भाई तो आ नहीं रहे हैं, अब मुझे ही जाना पड़ रहा है, 13 किलोमीटर फिर वापस जाऊँगा। यार शायद मुझे आज निकलना नहीं था, यह क्या था, प्रभु की माया है, देखते हैं क्या होता है। यही रोड में मुझे चलना है 5 किलोमीटर और वहाँ तक, देखते हैं कितना आता है, कितना चल पाते हैं हम। अलग ही टाइप में ये तो कटर पटर आवाज़ चलने लग गई है यार बहुत ज़्यादा, इसमें सभी कुछ गोल हो गया मेरे को लग रहा है, इसमें कुछ करवाना पड़ेगा, दिखवाना पड़ेगा उन्हें यहाँ सही से, नहीं तो मैं ऐसे करके तो चल ही नहीं पाऊँगा। बोल रहे हो आप, इधर को आओ। कैसे हो छोटे छोटे साइकिलिस्ट, कितने पढ़ते हो, क्या नाम है आपका? प्रिंस। और आगे को आओ जरा, प्रिंस नाम है आपका? हाँ। अच्छा क्या कह रहे थे आप? और तो आप कहाँ जा रहे हैं? मैं घूमने जा रहा हूँ, चलोगे मेरे साथ? चलोगे? चलो मैं लेके चलूँगा आपको, चलो है घूमने जा रहे हो अभी, चलो ठीक है, बाय बाय, जय सिया राम। ओ ये भैया, भैया आपका नाम? सचिन भाई। यार हमें रास्ता बता रहे हैं, रास्ता हम भूल जाते हैं, ये गूगल मैप कभी इधर को दिखाता कभी उधर को दिखाता है, अच्छा नहीं है गूगल मैप यारे। तो सचिन भाई ने यार रास्ता दिखाया, हमें 3 किलोमीटर और जाना है मुझे आगे की तरफ। ओके यार मैं तो कुछ घूम ही नहीं पाया यार, रेकॉर्ड यहाँ पर ना अपनी साइकिल का ही काम कराते रह गया। अब यहाँ से राइट लीजिए, यहाँ से ही तो वहाँ को। फिर से आ गया हूँ यहाँ पर राजा भाई के पास, और पता नहीं क्या इशू चल रहा है। राजा भाई क्या इशू चल रहा है इसमें बताओ तेरा, हैं? बैरिंग टूट गई है, तो कैसे हो पाएगा ये? करो यार, अब आज का दिन भी ख़राब हो गया मेरा, पता नहीं क्या होता है यार, कहाँ पर रहूँगा मैं आज, कैसे होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
जिन जिनको फ़ोन करा वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, वो यहीं के लेकिन अब वो फ़ोन नहीं उठा रहे, तो देखता हूँ आज क्या क्या रहता है। अरे अच्छा हुआ मेरे को भी ये 20 किलोमीटर में ये दिक्कत आ गई, बहुत अच्छा हुआ। और 20 किलोमीटर ये यहाँ को आना हुआ, फिर 20 किलोमीटर फिर मैं जाऊँगा वहाँ को। और इसके क्या इसमें क्या क्या हुआ है बताइए ज़रा इसको मेरी पब्लिक को, क्या हुआ भाई जी इसमें? ये भी ख़राब है तो इसको पूरा सेट लगेगा। ये ज़्यादा महंगा तो नहीं है? कितने तक का खर्चा देगा? ठीक है चलो करवा दो यार, अब क्या करें, अब जेब में नहीं है कौड़ी और घूमने चले हैं पूरे 12 ज्योतिर्लिंग, अब क्या करें, करना तो पड़ेगा, यही है मेरा बस साधन, तेल इंजन यही है। चलो डलवाता हूँ अब एक्सल वगैरह जो भी इसमें कमियाँ हैं पूरी करता हूँ, करनी तो पड़ेंगी क्योंकि यात्रा तो करनी है, आगे तो बढ़ना ही बढ़ना पड़ेगा। जब तक साइकिल सही नहीं होगी तो मैं आगे कैसे बढ़ूँगा, शरीर अगर सही नहीं भी हो तब भी मैं साइकिलिंग करता हूँ, लेकिन अब साइकिल ही सही नहीं हो तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ूँगा। तो करवाता हूँ काम, ये जो गोलियाँ आती हैं, ये जो आपको गोलियाँ दिख रही हैं ये गोलियाँ, ये एक उसमें 9 गोली और दूसरे उसमें दूसरे साइड में 9 गोली, मतलब टोटल 18 गोलियाँ समथिंग लगती है, तो ये गोलियाँ ही सबसे मेन रहती हैं इसकी। और चलो लगा दिया भैया ने, अब देखते हैं कुछ हुआ नहीं हुआ इसका उपाय। आवाज़ इसी से आ रही थी बोल रहे भैया, क्योंकि जो इसका ये एक्सल है एक्सल भी हल्का सा घिसा हुआ था तो ये भी कहीं पर टूट सकता था, तो मैंने ये भी नया डलवा दिया है और गोलियां नहीं डल गई हैं इसमें और वॉशिंग वो सब हो गया है। तो लग गया है मेरा टायर अब और फिक्स हो रहा है, देखते हैं इसमें कैसे अभी स्मूथ चलेगी, देखते हैं भैया लगा रहे हैं इसमें लगे पड़े हैं। सो भाई फाइनली मेरी साइकिल हो गई है अब सही, बिल्कुल रावस हो गई है और मैं चला के आ गया हूँ, कम से कम 2 किलोमीटर मैं चेक करके आ गया हूँ, अब कोई आवाज़ नहीं है कोई भी कुछ नहीं है। और पूरा अभी पीछे का पूरा इन्हें एक्सल वगैरह सब बदल दिया है, गोलियाँ इन्हें नहीं डाल दी हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। भाई जी आपका नाम क्या है? रोहित भाई का नाम है रोहित। रोहित भाई ने बहुत बढ़िया काम कर दिया है यहाँ पर, बहुत बहुत धन्यवाद भाई को। और एक बार जय श्री राम बोल देंगे रोहित भाई, जय श्री राम। अब निकलता हूँ यहाँ से, देखता हूँ आज कहाँ पर रहूँ कहाँ पर क्या करूँ, क्योंकि आज का पूरा दिन हमारा खराब हो गया है। सो यहाँ से चल पड़ा हूँ मैं, अभी बज रहा है 5:30 और 5:30 बज रहा है, देख रहा हूँ कहाँ पर मिल पाती है जगह, जगह नहीं मिल पा रही है। एक मैंने जहाँ पर मैं रुका हुआ था अभी, जहाँ पर भैया लोगों और उनसे बात हुई थी, तो वहाँ पर मैंने मैडम से बात करी थी तो उन्होंने बोला था कि हाँ आप आ जाना यहाँ पर, हम रुकने की व्यवस्था करवा देंगे, तो वहीं को चलते हैं यार। और जगह तो मेरे को सही नहीं लग रही है, सिटी से बाहर ही निकलता हूँ अब, बहुत हो गया। तो क्या ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है, क्या स्पीड मैंने मेंटेन करके रखी है। हाँ जी और काली माता और विष्णु भगवान और भोलेनाथ की देखिए प्रतिमाएं, कितनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं रास्ते मेरे को देखने को मिली। ये जगह का नाम है देवतालगढ़ा। मैंने अभी दिखाया था ना आपको, मैं यहाँ पर से वो दिखा रहा था, मूर्तियाँ दिखा रहा था आपको यहाँ पर से, तो एकदम से भाई ने बोला भूख लगी है आ जाओ कुछ खा लो। ये भाई जी हमारे देखो राम भक्त, क्या नाम है भाई जी आपका? नितिन केसरवानी। नितिन केसरवानी बहुत बढ़िया है भाई जी यार, ऐसी सेवा ऐसा स्वभाव आपका, मज़ा आ गया। बढ़ना चाहिए जी जी, वो तो हम फुल टू बढ़ाएंगे तभी हम चले हुए अपने मकसद से। जय सिया राम। जय सिया राम। और भाई जी ने देखो इडली विडली दे दी है। नितिन भाई से मैंने एक बात और पूछी, मैंने कहा रात को कहीं रुकने की व्यवस्था करा यहाँ पर हो जाएगी, तो इन्होंने यहाँ मंदिर बताया अखंड मानस पाठ करके एक मंदिर है यहाँ पर, तो वहाँ पर अखंड पाठ चल रहा है, अखंड पाठ चल रहा है वहाँ पर, हमारी रुकने की व्यवस्था सब हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो पेट पूजा करता हूँ फिर काम दूजा करता हूँ। तो अखंड मानस यज्ञ में मुझे यहाँ पर रुकने की जगह मिल गई है, मैं बैठे हुए थे
मैंने बाबा जी से यहाँ पर बात कर ली है और यहाँ पर चलता है अखंड यज्ञ और इतनी सुंदर यहाँ पर भोलेनाथ जी की प्रतिमा है कि आपको क्या बताऊँ मैं। और यहाँ पर आपको हनुमान जी की प्रतिमा भी आपको देखने को मिलेगी। मैं आपको सब अभी दिखाऊँगा, अभी जब सब पाठ वाठ हो रहा है तो आपको मैं सब दिखाऊँगा यहाँ पर कि कैसे यहाँ ये मंदिर किस कैसा भव्य बना हुआ है। और यहाँ पर मैं फाइनली रुका दवाई की दुकान में, शॉप में, और जय श्री राम बोलो भाई। जय श्री राम। जय श्री राम। मंदिर से अभी निकल के आया और आते ही मैंने दो मेडिकल शॉप यहाँ पर देखी। एक मेडिकल शॉप बंद थी, उसका कोई इशू नहीं। दूसरे मेडिकल शॉप में एक लेडीज दांत तुड़वा रही थी, तो मैंने पूछा मैम डॉक्टर साहब कहाँ हैं, तो डॉक्टर साहब वहाँ थे नहीं। डॉक्टर साहब 5 से 10 मिनट के बाद आते हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी तबीयत जरा ख़राब है, मेरे को दवाई दे दीजिए। डॉक्टर साहब कह रहे कोई दवाई नहीं है, जाओ यहाँ से। मैंने कहा ठीक है, चले गया। ये सारे अपने राम भक्त शिव भक्त यहाँ पर देखिए इकट्ठा हो गए हैं, छोटे बड़े भाई लोग बुजुर्ग सब भाई लोग और आंटियाँ। देखिए आप बड़ी माताएं बहनें अपनी यहाँ पर खड़ी हो गई हैं और सब पूछ रहे हैं मुझसे कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। मैंने सब इनको एक्सप्लेन करा है यहाँ पर अभी इस समय, और आपको कुछ चुनिंदा लोगों से बात करवाता हूँ। भाई जी सबसे पहले आप बताइए, जय श्री राम, आप अपने नाम से शुरुआत करिएगा। मेरा नाम अभिषेक हीरा है, हम जबलपुर में गढ़ा क्षेत्र में रहते हैं। ये बहुत प्राचीन स्थान है गढ़ा, और अभी हम जब यहाँ पे खड़े हुए थे तो हमने देखा कि राम भक्त अपना ध्वज लगाए हुए यहाँ चले आ रहे हैं, तो हमने उनको बरबस ही रोक लिया और कुछ जानने की कोशिश की कि कहाँ जा रहे हो। तो हमें पता चला कि ये राहुल भाई उत्तराखंड अल्मोड़ा से आए हुए हैं, और हमें बहुत खुशी हुई क्योंकि हम तो नहीं कर पाते जो ये आप कर रहे हैं, तो हम लोग बाकी ऐसे बात करते करते और भी लोग आ गए हैं। लेकिन बहुत खुशी हुई राहुल भाई आपकी ये यात्रा और आपका ये संकल्प पूरा हो। हमारी सभी से और सभी राम भक्तों से ये निवेदन है कि आप बहुत अच्छे से रहें जहाँ भी जाएं, जैसे भी जाएं, और बहुत स्वस्थ रहें। धन्यवाद आपका बहुत बहुत मेरी राम यात्रा में यहाँ पर सहयोग करने के लिए। सर मेरा नाम हितेंद्र गुप्ता है और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई कि आप यात्रा में लगातार प्रयासरत रहे जी। और हमारी शुभकामनाएं आपके लिए कि आप पूरी यात्रा सफल करके अपने घर लौटें। आज बंदे को आपसे मिलाना चाहता हूँ। पहले भैया मेरे को सबसे पहले जैसे ही मिले एक तो चाय पिलाई, बहुत बढ़िया भाई जी का। और देखिए जय श्री राम। उत्तराखंड से आए हुए हैं, यहाँ पर 15,000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हुए हैं। वो यात्रा करने के दौरान यहाँ पर जबलपुर शहर पे पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद में हमने देखा उनको, और उसके बाद सभी भाई मित्रगण जितने अपने भाई बंधे हैं सभी लोग उन लोग के पास में आए और उनका हालचाल पूछा किस तरीके से वो यात्रा कर रहे हैं और कहाँ तक पहुँचना है और पर डे कितने किलोमीटर वो यात्रा करते हैं, और उसके बाद उनकी खाने पीने की क्या व्यवस्था है, रात कहाँ रुकते हैं, उनकी तबीयत वगैरह किस हिसाब से रहती है, वो अपना मेंटेनेंस कैसे करते हैं, वो अपने तरीके से उनने अपना पूरा सिस्टम बताया है किस हिसाब से वो आगे चल रहे हैं और कहाँ तक उनने यात्रा कर ली है, और अभी तक उनकी जो भी समस्याएं हैं अभी तक तो उनको कोई भी परेशानी नहीं हुई है। और श्री राम से हम दुआ चाहते हैं कि उनकी यात्रा जहाँ तक जाए सुखमय और शांतपूर्वक और अच्छे तरीके से स्वस्थ जीवन और सही सारी तरीके से यात्रा करते हुए अपनी यात्रा संपन्न करें। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। और यहाँ पर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी आ गए हैं। कितने कितने क्लास है बट्टो भाई लोगो? अच्छा 8वें में। और आप? और आप? और आप? ये तो शर्माने वाले बच्चे हैं, ये शर्माने वाले बच्चे नहीं है, तो सब बोलेंगे मिलके क्या जय श्री राम। जय श्री महाकाल। हमारे देवताल भूतनाथ की टेकरी में पधारे हुए भाई अल्मोड़ा से द्वादश ज्योतिर्लिंग साइकिल यात्रा 15,000 किलोमीटर राहुल साहब चल रहे हैं। भूतनाथ आज पहुंच चुके हैं, दादा भगवान की जय। आज इनका विश्राम यहीं पे किया गया है। मैं कान्हा कर्ण, ये नितिन केसरवानी, ये देवा भाई, जय श्री राम। और ये मेरे दादा भगवान का मंदिर और मेरे ये भूतनाथ का मंदिर, संतोषी माता मंदिर, और अपने भाई प्रो। हर हर महाकाल। बाबा 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 पहुंच गए बाबा भूतनाथ के पास। जबलपुर में भूतनाथ जी का, बाबा जी का मंदिर है, ऐसा भव्य मंदिर ना, ऐसा भव्य मंदिर ना,
देख के मतलब आप लोग ना आंखें फटी की फटी रह जाएगी आपकी। 12 घंटे अखंड रामायण होती है 60 सालों से। मैं उस मंदिर में पहुंच गया, ठीक है। मैं जब उस मंदिर पे पहुंचा, मैं वहां पर मैंने वहां भी भोलेनाथ थे, मैंने उनका आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद में मुझे खोए की मिठाई मिली, वो भी भोलेनाथ जी के पास। बच्चे इतने भाई फैन के साइकिलिंग के यार दीवाने हैं बच्चे, और वो इतने इतने जनसंख्या में देना वहां पर, बड़े लोग बुजुर्ग आंटी बहने सारी की सारी इकट्ठा हुई रोडों में, जाम लग गया। ऐसा है कि ये वीडियो होने वाली है लंबी, थोड़ा ये आउटरो है इसका, ये लंबा होने वाला है। मेरे साथ जो हो रहा ना इस यात्रा के दौरान, मैं आपको वो बता रहा हूँ, मैं खाली मजाक करने आपको परेशान करने के लिए यहाँ पर नहीं हूँ। मैं इतना हाइपर इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मैंने 2 गोलियाँ खाई हैं खाली बेफालतू की। वहाँ से मैंने खाली झूठ बोल दिया कि मेरी तबीयत खराब हो रही करके। ओ चांस लग गया है आपको, अब उस शख्स से मिला रहा हूँ जो मेरे को मिले थे अभी, जिन्होंने यहाँ जिनका सहयोग था मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। ये रहे नितिन केसरवानी जी। जय श्री महाकाल, जय सियाराम। बताइए अपने बारे में मेरी ऑडियंस को, मैं हम कैसे मिले यार। मैं बता, मेरी बातें सुन सुन के बोर हो जाते हैं। एक नए बंदे की बात मेरी ऑडियंस को ज़्यादा अच्छे से समझती है। आप लोगों को प्यार की वजह से मैं यहाँ पर साइकिलिंग कर रहा हूँ, पता है। आप इतना प्यार दिखा रहे हो वहाँ से तब, और ये भाई ने अब अपना प्यार दिखाया जबलपुर से। एक कहानी और भी बीच में, एक दूसरा बताऊंगा उसके बाद। पहले ये भाई से इनसे जानते हैं, ये बताएंगे कि मैं कैसे मिला इन्हें, बताइए। 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करते जबलपुर से होते हुए महाकालेश्वर की ओर जा रहे थे, तो जे हमारे देवताल लघु काशी गढ़ा में खड़े होके बजरंग जो हमारे इधर पे 71 फीट के जो बजरंग है, बजरंग की मूर्ति है 71 फीट की, तो उनकी सेल्फी ले फोटो ले रहे थे। तो फोटो लेते लेते जी हमारी शॉप के सामने खड़े थे, तो एकदम से हम दोनों की नज़रें मिली। तो नज़रें मिलने के बाद भैया कहते हैं कि उज्जैन इधरी से जाना है, तो मैंने बताया कि अच्छा आपकी शॉप का नाम क्या है पहले बताओ। मेरी शॉप का नाम किशरवानी मसाला डोसा। ऐसा मसाला डोसा, ऐसी इडली, मैंने एक वहाँ पर से इनके जो ग्राहक हैं उनसे ही बात करी, और ग्राहकों को जैसे ये ट्रीट करते हैं ना, मैं भी ऐसे ट्रीट करता हूँ। तो चलो बताइए उसके बाद। ये सब तो आप लोग का प्यार है बड़े भाई जो बोल देते हैं, और वो भी इनकी तारीफ कर रहे थे भाई ऐसा टेस्ट। तो सब आशीर्वाद है सब भाई। चलो बताओ क्या, अब मैं बताता हूँ इसको कि इडली और डोसा का इनका है वहाँ पर शॉप है। तो जैसे ही मैं रुका, मेरे को भूख तो लगी थी, सुबह से कुछ खाया ही नहीं था, एक पराठा खाया था वहाँ पर आपने देखा होगा। फिर उसके बाद तो यार साइकिलिंग कर दी ना उतनी, फिर वो सब गायब हो गया, फिर भूख तो लगी थी। तो भाई सीधे डायरेक्ट कहते हैं मुझसे कहाँ को जा रहे हो, ये वो ऐसा मैंने बताया कि भाई ये सब चीज़ें हैं। तो भाई कह रहे हैं आओ अंदर को, आओ साइकिल लगाओ कुछ खा लो। मैंने मना भी नहीं करा, साफ सी बात। तो भाई तब से ना अभी तक, अभी बज रहा है, मैं आपको टाइम बताता हूँ, 11:30 हो रहा है, और भाई भाई को पूजा भी करने जाके, मतलब अभी वीडियो जल्दी बना रहा हूँ, नहीं तो भी थोड़ा भाई भी थोड़ी देर और रुकते और जल्दी होता। तो इतनी रात को कोई बंदा मेरी इतनी हेल्प कर रहा ना दूसरे अनजान शहर में, क्या बोलूँ यार मैं, क्या प्राउड फील कर रहा हूँ पता है मैं अपने आप पर। अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे थैंक यू सो मच यार, कसम से बोल रहा हूँ थैंक यू सो मच, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। और इनकी वजह से कुछ यहाँ के और 2-3 भाई लोग भी और हैं, आओ भाई लोगों इधर को आओ, आओ जरा ऊपर आओ, इधर आओ। जय सीताराम, राधा भगवान की जय। जय श्री राम। अपना अपना नाम का इंट्रो दो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कान्हा कर्ण, गढ़ा जवालीपुरम, लघुवासी गढ़ा देवताल से हूँ। मेरा नाम है दिलबा भाई। जोर से अभी तो जोर से बोल लेते, अब क्या हो गया? मैं भूतनाथ का पुत्र हूँ, मेरा नाम देवा। भाई राहुल को लेके आए हम लोग से मिलवा, हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि कोई हमारे शहर में बाहर से आता है तो उसको कैसे रखा जाता है।
उसका प्यार, उसका नेचर, उसका देखभाल जितना अपनों से ज्यादा नहीं उतना जितना दूसरों को करना पड़ता है। ऐसे भाई लोग हमेशा नहीं मिलते हैं, वो कुछ रहते हैं ऊपर, शक्तियों का कुछ रहता है प्रभाव जो मिल जाते हैं, ऐसे भाई लोग हमेशा मिलते रहे। क्षेत्र हो चाहे नगर हो दूसरा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, दिल से दिल मिलना चाहिए। बाकी सब नर्मदे हर है, माई नर्मदा के दर्शन और करिए आप। मात नर्मदे हर, जय श्री महाकाल। भूतनाथ टेकरी, जबलपुर, देवताल, लघुवासी गढ़ा। क्या बात है, नर्मदे हर माई की जय बोलो, दादा भगवान की जय। भगवान जी और भाई, खास चीज है ये, हमारे भाई हैं, ये हमारे अखाड़ा के ताज है, मतलब पहलवानी करते हैं ये भाई को देखने आए हैं। वो कभी नहीं आते, कभी कभार आते हैं, आज आ गए भाई को देखने, राहुल भाई को देखने। शेर मंदिर का और हमारे बजरंग मठ में आए, भगवान की कृपा हमारे गढ़ा जवालीपुर में इतनी है कि उनकी कृपा से हम लोग फल फूल रहे हैं और ऐसे भाई हमको हमेशा मिलते रहे। महाकाल का नाम तीनों लोगों में उजियारा है, जय श्री महाकाल बोलो, बाकी सब जय नर्मदे हैं। अरे हरे महादेव। तो देखो, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू। दो भोलेनाथ के दर्शन कर लिए हैं, तीसरी की तरफ जा रहा हूँ मैं, उज्जैन की तरफ, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर की तरफ। यहाँ से उज्जैन बचेगा समथिंग अबाउट आपका 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर मुझे, मैं अपने आपको टारगेट देता हूँ, चलो एक, लेकिन टारगेट मैं कुछ टाइम के बाद दूंगा। मैं 2 या 3 दिन यहाँ थोड़ा सा रुकूंगा, मैं आपके सामने अब वो वीडियोज़ लेके आऊँगा जो मैंने बहुत टाइम से डाली नहीं है सोशल मीडिया पर, वो कुछ अलग ही टाइप की वीडियोज़ होंगी। तो और तो और, तो सीधे मेरे को दुकान अपनी बढ़ा के सीधे मेरे को यहाँ भूतनाथ मंदिर में लेके आ गए, और हमने अभी साथ में सीढ़ियाँ चढ़ाई हैं बहुत सारी, ये तो अभी थोड़ी सी दिखी आपको, लेकिन उससे पहले भी नीचे सीढ़ियाँ हैं। अब मेरे को ये लग रहा है कि मैं उतारूँगा कैसे कल या परसों नरसों सरसों। तो चलो, इनको बोलते हैं गुड नाइट और शिवरात्रि, जय श्री महाकाल, आपसे मिलते हैं कल सुबह। जय सीताराम। अभी जा रहे हैं, बाय ब्रो। बताए इस एरिया में ना, मैं अकेला हूँ, और ये तीन देखो, तीन बॉडीगार्ड हैं। शेरू कैशरू, इधर को आओ, तुम आओगे कैमरे में, कैमरे में आओगे। ये देखो, ये है एक, ये है और एक, ये है शेरू। शेरू जरा भाग रहा है, देखो। ये आ गया, ये आ गया डाउन अपना। ए, ए। भूतनाथ जी के मंदिर में मैं अकेला हूँ इस समय। और एक बात और भाई, चार्जिंग पॉइंट टूट गया है, चार्जिंग पॉइंट का इंतजाम करना पड़ेगा क्लियर। एक ये करना है और एक चीज़ और करनी है मुझे। एक तो ऐसे भौंक रहे ना अलग ही, मेरे को डरने में लग जा रहा है। कौन है बाबा जी? यहाँ पर टैंकी भी है पानी के लिए, इसमें पानी आ रहा नहीं आ रहा देख लेता हूँ। बस वो पानी तो है भाई, सिंटेक्स का पानी से पीना नहीं चाहिए। यहाँ भी ऊपर को है कुछ, सुबह एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पर खड़ी कर दी मैंने अपनी साइकिल, और ये मंदिर देखिए, ये माता रानी का मंदिर है, आपको दिखाता हूँ। तो मैंने खोल दिया माता रानी का मंदिर अभी। माता माफ़ करना अगर गलती गलती कुछ